हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि GDS जब ज्वाइन करता है स्टार्टिंग में तो उसको क्या क्या डिफिकल्टी आता है, क्या क्या प्रॉब्लम उसको झेलना पड़ता है, क्योंकि GDS का सैलरी कम होता है तो उसको कौन कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है स्टार्टिंग में, क्या क्या जरूरत पूरा नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो कौन कौन मेन जो प्राइमरी जरूरतें हैं वो सब पूरा नहीं कर पाता है, तो वो सब उसके बारे में बताएंगे। और एक्चुअली GDS का नियम है कि आपको जुरिस्डिक्शन एरिया में रहना पड़ेगा, चाहे BPM हो, ABPM हो, डाक सेवक हो। और BPM को देखते हैं रहना ही पड़ता है जुरिस्डिक्शन एरिया में, लेकिन ABPM डाक सेवक नहीं भी रहता, वो लोग घर से भी आ सकता है। ठीक है, तो फिलहाल जो नियम है वो फॉलो करना पड़ेगा, बट नियम फॉलो नहीं करता डाक सेवक एंड ABPM, लेकिन BPM को फॉलो करना पड़ता है। वो दूर से नहीं, वो जो जिस BO में हुआ है उसी जुरिस्डिक्शन एरिया में उनको रहना पड़ता है। तो वहाँ पे रहते रहते उसको क्या डिफिकल्टी हो सकता है स्टार्टिंग में, या फिर एक दो साल तक क्या डिफिकल्टी हो सकता है, बाद में धीरे धीरे ठीक हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, पहला तो बता दिए पैसे का प्रॉब्लम है, दूसरा बताएंगे सिचुएशन सिनेरियो कैसा रहता है जहाँ पे आप काम करते हैं। ठीक है, तो अभी हम जाते हैं ऑफिस, अभी 10 बजने वाला है तो ऑफिस हम चलते हैं। ठीक है, रास्ते में आपको बताएंगे क्या क्या प्रॉब्लम होगा। ठीक है, ऑफिस भी जा करके आपको बताएंगे। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, आप कैसे जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑफिस दूर भी हो सकता है तो जाने का प्रॉब्लम हो जाता है। रोड यहाँ पे तो रोड बना हुआ है, उतना नहीं प्रॉब्लम, लेकिन बहुत आदमी बोलता है कि मेरा दूर दराज में ऑफिस हो गया है तो वहाँ जंगली एरिया है, रोड नहीं अच्छा से बना हुआ, तो इस ये प्रॉब्लम होता है। दूसरा है कि बजट का प्रॉब्लम हो जाता है, उसके पास सफिशियंट रुपया नहीं रहता है जो बाइक वगैरह सब खरीद सकते हैं, स्कूटी। तो धीरे धीरे स्टार्टिंग में यही प्रॉब्लम है, धीरे धीरे उसके पास पैसा होता है तो वो खरीद लेता है। हालांकि 3 साल पे हम भी खरीदे हैं, लेकिन ज़रूरत का कुछ सामान रहता है जो खरीदना रहता है। बाइक पहले खरीद सकते थे लेकिन खरीदे नहीं, थोड़ा लेट से खरीदे। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि बाइक ही खरीदना है, और भी बहुत सारे सामान खरीदना रहता है, पैसा खर्च हो जाता है ऐसे ही, क्योंकि सैलरी भी कम है। तो ये सबसे बड़ा डिफिकल्टी है कि आने जाने का सुविधा आपको लगाना होगा, खास करके ABPM को, जो क्योंकि उसको डाक बांटना रहता है, लेटर डिलीवरी करना रहता है, तो वो लोग को बाइक की ज़रूरत होता है, स्कूटी की ज़रूरत होता है, BPM को भी ज़रूरत पड़ता है। कभी कभी मान लेते हैं HO जाना पड़ता है, SO जाना पड़ता है, तो ये सब चीज़ की ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, फाइनली तो अभी हम चलते हैं ऑफिस, रास्ते में दिखाते हैं क्या 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 सीनरियो। देखिए अभी कैसा इधर का माहौल है, थोड़ा सा पेड़ पौधा ज़्यादा है, बंगाल में पेड़ पौधा ज़्यादा रहता है, ये यार से बोलते हैं नारियल का पेड़ ज़्यादा मिल जाएगा। और यहाँ का सिनेरियो देख सकते हैं कैसा है, पूरा धान की खेती हो रहा है, धान लगाया जा चुका है। तो अभी हम उसी रास्ते से जाएंगे ऑफिस। ठीक है, यहाँ से 2 मिनट का रास्ता है ऑफिस जाने का। तो अभी बहुत ज़्यादा छोटा छोटा गाड़ी आ रहा था, बाइक वगैरह, इसीलिए हम चलाते हुए शूट नहीं किए। तो अभी आप देख सकते हैं इधर से हम आए हैं, ये सब मेरा ही जुरिस्डिक्शन एरिया का अंडर आता है। ठीक है, ये एक बच्चीपुर ग्राम है, इधर मोटा घाट है, सामने में बासदेवपुर है, हमको अभी बासदेवपुर ही जाना है, और बगल में जंगीपुर है, उधर थोड़ा सा और आगे दुलालपुर है इस साइड में, और उधर पश्चिम फरोलिया है, तो ये सब एक ही BO का अंडर आता है। ठीक है, अभी हम चलते हैं और भी दिखाते हैं कुछ। और ये जो ऑफिस का मेन एरिया है, यहाँ पे ज़्यादा रिवेन्यू जनरेटेड काम होता है। ठीक है, ये लोग ऑफिस रेगुलरली जाता है, और जितना भी अकाउंट ओपनिंग होता है, SB RD RPLI फिक्स, सारा तरह का अकाउंट यहाँ पे खोलता है। और भी देखते हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, यहाँ पे आबादी ज़्यादा है, इसके अंदर मेरा ऑफिस है। ठीक है, ये जो गाड़ी आ रहा है वही रोड से हम लोग जाएंगे। तो ये जो सामने वाला एरिया, इधर से भी ऑफिस जाया जाता है, लेकिन अभी तो बाइक है तो हम डायरेक्ट बाय रोड हम चलेंगे। और सामने में भद्रकाली मंदिर है, और यहाँ इधर से हम अभी आए हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉपुलेशन कुछ ज़्यादा है। ठीक है, पैसा मैं कल जाने वाला था। ठीक है, ठीक है, अभी हम चलते हैं। ठीक है, और भी सिनेरियो दिखाते हैं कैसा है माहौल। और ये है ऑफिस का दूसरा बड़ा रास्ता है, इधर से ही कोई भी ट्रेवल करना, इधर से ही गाड़ी, छोटा बड़ा गाड़ी जो भी है इधर से ही जाता है। और
और ये एरिया जो है कुछ ज्यादा ही रेवेन्यू जनरेटिंग एरिया है, क्योंकि ये लोग खुद देखिए मेरे कस्टमर है और बहुत ज्यादा अकाउंट खोलते हैं। जिस तरह का भी अकाउंट खोलने बोलते हैं खोल लेते हैं, ठीक, आंख बंद करके ब्लाइंडली बिलीव करते हैं, ठीक है, मुझ पे। तभी सीधा ऑफिस चलते हैं, सब यहाँ पे मेरे ही कस्टमर है, ठीक है, कोई ने अकाउंट खोला ही है। किसी दिन इन लोग से भी फीडबैक दिलवा देंगे, ठीक है। अभी चलते हैं फिलहाल ऑफिस, ये भी देखिए मेरे ही ऑफिस सारे कस्टमर। और ये है मेरे ऑफिस का जो सामने में हाई स्कूल है, हरिप्रिया हाई स्कूल। ये है जो मेरे ऑफिस को दान दिए थे जो राजा दुर्गादास राय, उन्हीं के नाम पे ये सब इंस्टीट्यूट है, वही खोले हैं, ठीक है। पहले इंस्टीट्यूट था, बाद में धीरे धीरे हाई स्कूल बन गया, पहले प्राइवेट था, अब धीरे धीरे सरकारी, इस सरकार इसको गोद ले लिया है। तो इधर ये सब चीज है, ठीक है, पीछे में उधर ग्राम पंचायत है। अभी इधर बगल से ही जाएंगे ऑफिस, ठीक है। अब फाइनली ऑफिस चलते हैं, मिलते हैं ऑफिस में। तो फिलहाल ऑफिस के पास पहुंच गए, इधर देखिए बगल में पोल्ट्री है। पहले इधर राजा का महल रहा करता था, राजा दुर्गादास राय, लेकिन अब तो वो नहीं रहे। तो धीरे धीरे शालीमार ग्रुप ऑफ कंपनी को बेच दिए हैं। तो अभी शालीमार ग्रुप ऑफ कंपनी का पोल्ट्री फार्म है, तो ये कंपनी का बनाया हुआ ही पोस्ट ऑफिस है। पहले राजा दुर्गादास राय का अंडर ये पोस्ट ऑफिस चलता था, वही लोग बिल्डिंग प्रोवाइड करवाए थे। बाद में कंपनी को जब बेच दिए तो कंपनी वाले पोल्ट्री के अंदर कैसे ऑफिस कर सकते थे, इसीलिए यहाँ पे ऑफिस को खोले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ लिख दिया है अपना पॉलिटिकल थीसिस यहाँ पे। और बगल में हाई स्कूल जो बताए थे, उधर प्राइमरी स्कूल है, पीछे में गर्ल्स हाई स्कूल है उधर से। और ये सारा प्रॉपर्टी पोस्ट ऑफिस का ही है। बाद में पता नहीं कौन ऐसे एक डेसिमल, पहले 5 डेसिमल सुने थे, बाद में पता चला 1 डेसिमल का ये प्रॉपर्टी है, पूरा पोस्ट ऑफिस का जो एरिया है। तो गवर्नमेंट अगर ध्यान दे तो 5 डेसिमल भी हो सकता है, क्या गलती से 1 डेसिमल कोई बना दिया है। तो ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, मतलब पूरा बहुत बड़ा एरिया है। अगर इसको बहुत अच्छे से बनाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर इसको और अच्छा से डेवलप किया जाए, तो रिवेन्यू भी बहुत ज्यादा होगा, यहाँ पे अर्निंग भी होगा, कस्टमर लोग भी आएगा, पब्लिक ज्यादा जुटेगा, क्या मेरे वजह से बहुत पब्लिक आता है। लेकिन ऐसा थोड़े ना कि सिर्फ काम देखा जाता है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखा जाता है, क्या सिक्योरिटी भी देखा जाता है। तो अभी देखते हैं कब तक ये बिल्डिंग बन के तैयार होता है। मेरा काम है ड्यूटी करना, ड्यूटी करके हम भी चल देंगे ट्रांसफर लेके, क्या। तो और भी देखते हैं, और कुछ अच्छा बात रहेगा तो आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए फिलहाल हम अपने सीट पे बैठ गए हैं। अभी देखते हैं काम कितना होता है नहीं होता है। बहुत सारा काम पेंडिंग रखा हुआ था, नेटवर्क बहुत कम आता है इधर इस एरिया में, ठीक है। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से सही से टाइम पे डिपॉजिट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं धीरे धीरे, अभी क्योंकि सिस्टम अपग्रेडेशन हो रहा है, आईटी मॉडर्नाइजेशन 2.0 के वजह से वो जो पुराने सिस्टम, हो सकता है कि ठीक से काम ना करे। नया सिस्टम में जब काम होगा तो फास्टली काम होगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा बहुत तो दिक्कत झेलना पड़ रहा है। अभी पूरा देखिए एरिया आपको बता ही दिए कि मेरा जुरिस्डिक्शन एरिया कैसा है, ये तो 1% आपको दिखाया है, बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, बहुत बड़ा एरिया, उधर हम गए नहीं है। बहुत सारे जो एरिया है वासुदेवपुर जुरिस्डिक्शन के अंदर जितना भी एरिया है, विलेज है, वो सब अभी तक दिखाए नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा लग समझो 1 से 10% के बीच दिखाया अभी, ठीक है। तो बहुत बड़ा एरिया है, काम भी बहुत ज्यादा होता है, बस इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा खराब है, वो भी धीरे धीरे अगर ठीक हो जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल देखें तो काम बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ के लोग मायने नहीं रखता है, यहाँ देखते हैं काम कैसा हो रहा है, लोग आराम से आता है काम करवाता है, ठीक है, चाहे कोई भी अकाउंट हो, फिक्स डिपॉजिट का, इंश्योरेंस का, सब खुलवाता है, सेविंग्स का, रेकरिंग का, सब तरह का अकाउंट, पीएम किसान का भी अकाउंट अभी खुलने लगा, आधार कार्ड का भी काम हो रहा है। तो अभी मजबूरी में लोग आता ही है, लेकिन आता है, ठीक है, सबको इधर खींच के लेके आते हैं, ठीक है, काम ऐसा ही है, सही बोले कि नहीं? हाँ एकदम सही। तो क्या लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर देख के कोई आता है? नहीं,
काम देख के आता है, काम देख के आता है, काम अच्छा होगा तो लोग, क्योंकि सिस्टम इतना यहाँ का बिल्डिंग खराब है, अगर ये देखेगा तो कोई भी नहीं आएगा, लेकिन काम ऐसा है ना, लोग को मजबूरी इधर आना पड़ता है प्रेशर में, क्या कहीं कहीं दूसरे जगह काम होता ही नहीं है, सिर्फ यहीं पे होता है। सही बोल रहे कि नहीं? एकदम सही। कि मेरे बात पे बोल रहा है? सही बोल रहे हैं। अच्छा, क्या क्या फील होता है कि जब इधर आता है तो क्या लगता है कि क्या काम देख के लोग आता है? किसी का मदद होता है इधर, हाँ इसलिए आता है, इसलिए आता है। और मेरा बिहेवियर कैसा लगता है? काम मेरा बिहेवियर, आपका काम भी अच्छा है, लोग फैन हो जाता है क्या? इसी बहाने लोग मिलने भी आ जाता हमसे, और मेरा यूट्यूब चैनल भी है, सब तरीके से फैन मेरा हो गया है, काम देखकर भी, यूट्यूब चैनल फेसबुक पे भी वीडियो अपलोड करते थे, इसी बहाने लोग देखने भी आ जाता, अच्छा ये आदमी वीडियो बनाता है, तो ये सब चीज़ है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।